मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर केबी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मुझे बताइए बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज। वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिसिटी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मैंने एक और बात बताया था कि अगर पी के बी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आपको इसको याद रखना, हो सकता है जनरली वैसे वैल्यू नहीं दिया जाता है, हम आज देखेंगे कि किस किस टाइप से जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए जो है मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इतनी सी बात याद रखते हैं कि केबी की वैल्यू अगर जो इंक्रीज होगी, आपको मैंने बताया था कि अगर आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, आपको पूरा जो है पिछली क्लास में बता दिया था कि इसको किस प्रकार से लिखना है। फिलहाल हम लोग जो है रिकॉल कर रहे हैं ताकि कि आपको जो है चीजें याद हो और आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन कर सके। केबी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, केबी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जो है वो बेसिसिटी क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। हमने आपको बताया था अलग अलग केस के लिए अलग अलग जो है आपको सीन बनता है, ऐसा नहीं कि सभी के लिए जो है वो सेम बनता है, नहीं, अलग अलग केस के लिए जो है अलग अलग बनता है। हम इसी चीज को एक्सप्लेन एक बार फटाफट से कर देते हैं। मैंने कहा था कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो मैंने कहा था 3 डिग्री में सबसे ज्यादा लगता है, किसमें लगता है? 3 डिग्री में। और फिर किसमें लगता है? 1 डिग्री। इसका मतलब है हाँ 2 डिग्री में, एंड फिर जो है किसमें हो जाता है? 1 डिग्री में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बेसिसिटी का मतलब होता है कि कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, उसको हम लोग कह देते हैं बेसिसिटी। एसिडिक का मतलब क्या होता है? कि कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, उसको हम लोग कह देते हैं एसिडिटी। तो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा वो जो होगा उतना अच्छा बेसिसिटी होगा। आपको याद हो मैंने प्लस आई इफेक्ट से बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है। माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, अब जितना ज्यादा देगा इसके पास, देखो सभी इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस कारण से जो है इसकी जो इफेक्ट होता है वो 3 डिग्री में ज्यादा होता है, 2 डिग्री में होता है, फिर किसमें हो जाता है? 1 डिग्री में हो जाता है। मैंने कहा था सॉल्वेशन में जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाता। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण सबसे ज्यादा किसमें होगा? जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी तो 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, एंड जो है 3 डिग्री में। स्टेरिक हिंड्रेंस में भी मैंने कहा था कि इसके अंदर क्या हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जो अच्छा होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, एंड जो है फिर क्या हो जाएगा? 3 डिग्री में हो जाएगा। स्पेशल केस में मैंने बताया था कि याद रखना कि एक्वस केस में अगर इथाइल होगा तो आपको जो है 2 डिग्री तो वैसे दोनों में होंगे, लेकिन हमने कहा था बड़ा आ जाएगा तो बड़े के साथ जो हम लोग क्या लिखते हैं? बड़ा ग्रुप लिखते हैं, तो 3, 2, 1 हो जाएगा। छोटा ग्रुप है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? छोटा ग्रुप लिख देते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से आपको बताया था। फिर मैंने आपको एक स्पेशल ट्रिक भी बताई थी। क्या ट्रिक थी? मैंने कहा था कि गेम से सारी बातें याद रखेंगे, GAME, मैं यहाँ पे लास्ट में S याद रखूंगा। ओके, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप हो जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा हो तो सबसे अच्छा जो ऑर्डर होगा वो किसका होगा? बोलिए, किन्हीं को याद नहीं है? ओके, मैंने कहा था कि जब आपके पास कोई भी ग्रुप हो, मैंने कहा था कि 3 डिग्री जो होता है वो अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है क्योंकि तीनों साइड से मिलता है। ये क्या हो जाता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, एंड जो है क्या हो जाता है? 1 डिग्री। ओके, फिर मैंने कहा था
आपको पहले मैं मिथाइल इथाइल एंड सॉल्वेशन के बारे में बता देता हूँ। मिथाइल होगा तो सबसे ज्यादा ये तो पता है 2 डिग्री, यहां भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद किसका आएगा 3 डिग्री, और जबकि यह छोटा है किसका आ जाएगा 1 डिग्री, एंड जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिग्री। सॉल्वेशन में आपको मैंने बताया था जब कोई भी चीज जो है सॉल्वेट कर जाए, यहाँ पे हम लोग जब एडेड कर दे, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए लिख देता हूँ, ये जो है सॉल्वेशन के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। जब सॉल्वेशन होगा तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री में अच्छे से हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और सॉल्वेशन में भी जस्ट ऐसे ही होता है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड जो है 3 डिग्री। अब ये तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, यहाँ पे आप जब किसी चीज को ग्रुप को डिसॉल्व करते तो एच बॉन्ड लगता है, और ये दोनों क्या थे स्पेशल केस था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्लास में जो है ये सारी बातें जो है पढ़ ली। अब हम आज की क्लास में जो है क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये सारी बातें हमने जो है बता दी, स्टेरिक हिंड्रेंस सॉल्वेशन जो है, ये सारे इफेक्ट जो हम लोगों ने बात कर लिया था, सॉल्वेशन भी हमने ये सारे बता दिया था, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने पिछली क्लास में नहीं किया था, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे हमारे पास ये जो है यहाँ पे ग्रुप बनता है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ पे कौन सा ग्रुप आपको अटैक कराना है। इसका नाम क्या है कोई बताएंगे, इसको क्या कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, इसको क्या कहेंगे बेंजीन, और इसको क्या कहेंगे एनिलीन। अब देखिए नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, अपना जो है यहां पे देगा, और जैसे ही देगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स में रिएक्शन जो है होते रहते हैं। अब इसको दिया तो यहां पे चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और इसने दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और यहां पे क्या आ गया निगेटिव आ गया, क्योंकि जो देता है उस पर चार्ज कैसा आ जाता है निगेटिव, एंड इस पे क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब जैसे ही पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड जो है टूटेगा, ये वापस से ये यहां पे देगा, और जैसे ही देगा यही चीजें जो है इन्होंने भी यहां पे बनाई है, इन्होंने यहां पे जैसे ही ये देंगे ये बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा तो यहां पे देखिए आपका पॉजिटिव तो अभी भी ऊपर में ही रहेगा। अब ये बॉन्ड यहां आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये यहां से बॉन्ड अपना बॉन्ड तोड़ के यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ गया निगेटिव आ गया। बोलिए इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, यस ओके ठीक है थैंक यू। अब देखिए ये बॉन्ड वापस से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां देगा, और जैसे ही देगा तो यहां पे क्या हो जाएगा ये डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनते ही यहाँ पे क्या हो जाएगी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड बन जाएंगे 5 बॉन्ड बन जाएंगे, और जैसे ही बनेगा तो ये अपना बॉन्ड क्या कर लेगा तोड़ लेगा, कि यहाँ पे आपका जो है बॉन्ड बना, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे टूट के आ गया, और इस पे क्या आ गया निगेटिव आ गया। वापस से ये बॉन्ड यहां जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और ये यहाँ पे जैसे ही बनेगा यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड आएगा तो ये वापस से यहाँ पे इसका जो है पॉजिटिव जो है क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो कमी थी तो उसने क्या कर दिया यहाँ से जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो वापस से यहाँ चले जाएगा, तो इस प्रकार से लॉन पेयर जो है वापस यहाँ पे जो है चले जाएंगे। इस प्रकार से जो है टोटल हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, फाइव। अगर आपको मैंने बताया था कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मैंने यहां पे डबल बॉन्ड बनाया
स्टेबिलिटी। हाँ ठीक है, तो जितना ज्यादा यहां पे कंपाउंड क्या होगा, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, हाइब्रिड का मतलब होता है कि जहां पे सारी चीजें जो है आ जाए, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिएगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, जहां जहां पॉजिटिव हो यहां पे पॉजिटिव है तो मैं इसको डेल पॉजिटिव कह दू, नेगेटिव कहां कहां पे है हमारा, ओके हमारे पास यहां पे नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव है और यहां पे नेगेटिव है। अगर इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो, और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, ओ मेरे पापा, यानी कि जो है पारा। अगर कभी भी कोई भी पॉजिटिव ग्रुप अटैक होगा, जब आपके पास एनिलीन होगा तो कहां कहां होगा, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, वो ग्रुप जो है आपका अटैक होगा। इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी कोई भी ग्रुप अटैक होगा तो वो कहाँ कहाँ होगा, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका जो है अटैक होगा। सेम बात यहां भी यही कहता है। अच्छा ये जो दो स्ट्रक्चर है, यानी कि ये वाला मैं अगर बनाऊं यहां पे, इसको कैकुले कहते हैं, यानी कि जो पहला दूसरा, इसमें अंतर क्या है, बस पोजीशन चेंज हो गया है, बॉन्ड का जो है क्या है, पोजीशन चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसका जो है कैकुले स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो यही चीज जो है यहाँ पे याद रखना कि इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कैकुले स्ट्रक्चर कह देते हैं, यानी कि जो है इसका जैसा पोजिशन है वैसा ही हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कैकुले स्ट्रक्चर कह देते हैं। ऑन अदर हैंड एनिलीन आयन ऑब्टेन बाय द एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटॉन कैन हैव ओनली टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेट। जब ये प्रोटॉन का एक्सेप्ट करेंगे तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कैलकुलेट कह देते हैं, या आप इसको और इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, कैलकुलेट कह सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बॉन्ड कुछ चेंज हो जाने के कारण जो है इसको हम लोग कैलकुलेट कह देते हैं। ओके अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने बताया था कि CH3OH जो है ये ग्रुप जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपका प्लस IF जोड़ते हैं, जबकि NO2SO3 C डबल बॉन्ड O एंड X जो होते हैं वो क्या करते हैं, माइनस आई पैक होते हैं। ओके पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, आपके पास एनिलीन है, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 फोर नाइट्रो एनिलीन कह सकते हैं। अब मुझे बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर कौन होगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है। मैंने कहा था कि अगर प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। वेरी गुड, मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, लड़की। थर्ड वाली की थर्ड की वेरी गुड, अब ये क्या कर रहा है, सेकेंड वाला इसकी बेसिसिटी को कम कर रहा है, जबकि ये बेसिसिटी को कम कर रहा है क्या, नहीं, जिस कारण से उसके बाद सेकेंड पे कौन आ जाएगा, सबसे फर्स्ट ज्यादा वन तुम्हारा थर्ड हो गया, हाँ उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, उल्टा मैंने डायरेक्शन, सबसे ज्यादा हमारा थर्ड हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इसी चीज को ना नीट ने पूछा, लेकिन लैंग्वेज के फॉर्म में उन्होंने क्या लिखा है, मैं आपको आगे भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम है, एनिलीन दिया उन्होंने, नाइट्रो एनिलीन दिया और जो है टॉल्यूडीन नाम दे दिया, तो इसी प्रकार से जो है वो घुमा के पूछा, तो उन्होंने जो है वहां पे क्या करना था, आपको जो है ये ऑर्डर बताना था। ध्यान रखना कि अगर आपके पास बेंजीन वाला रिंग हो तो प्लस आई इफेक्ट का यूज करना, जिसमें जितना ज्यादा होगा
वो उतना ज्यादा जो है आपका क्या शो करेगा, बेसिसिटी शो करेगा। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, मैंने कल भी कराया था पिछली क्लास में, आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब यहां पे भी माइनस आई इफेक्ट है, सॉरी प्लस आई इफेक्ट है, यहां भी प्लस आई इफेक्ट है और यहां भी प्लस आई इफेक्ट है और यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट लगेगा वो कहां लगेगा। वेरी गुड। अब देखो मैंने कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट यहां भी लगता है, यहां भी लगता है, यहां भी लगता है, इसमें नहीं लगता तो खैर हम लोग जो है समझ जाएंगे कि ये जो है कहीं भी बीच में आने वाला है। कहोगे सर आपने मुझे पिछली क्लास में बताया था इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, याद आ रहा होगा मैंने बताया था डिस्टेंस डिपेंडेंट। यस सर। मैंने आप लोगों को तीन बातें बताई थी इंडक्टिव इफेक्ट। पहली बात, इंडक्टिव इफेक्ट कहां लगता है, आयनिक बॉन्ड में या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में या कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है या नहीं होता है, बोलिए तुम हर्ष, बोलिए रिया, बताइए क्या ये डिपेंडेंट। वेरी गुड। डिस्टेंस अप टू कितने कार्बन तक इसकी वैल्यू रहती है, थ्री कार्बन, थ्री कार्बन की, ओके। अच्छा ये परमानेंट इफेक्ट होता है या टेम्पररी इफेक्ट होता है, परमानेंट, परमानेंट, ओके थैंक यू प्रीति, ये जो है परमानेंट इफेक्ट होता है। अब मैं आपको बताता हूं, आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब तीनों जगह पे है आप डिस्टेंस डिपेंडेंट की बात कर रहे हो तो सबसे करीब तो ये है, सबसे अच्छे से ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, आपके मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन, बोलिए। यस सर। कि सर सबसे उस हिसाब से सबसे ज्यादा तो थर्ड का होना चाहिए, फिर सेकेंड का होना चाहिए, फिर फर्स्ट का होना चाहिए या बीच में जो है एनिलीन ग्रुप आना चाहिए। अब होता क्या है कि जब ये पास होते हैं ना तो NH2 CH3 के बीच रिपल्सन होना शुरू हो जाता है, जब बड़े ग्रुप है तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, ये रिपल्सन करेगा जिस कारण से थर्ड जो है सबसे ज्यादा रिपेल करता है, थोड़ा सा दूर है तो यहाँ पे कम रिपेल करता है, तो सबसे जो खराब शो करेगा बेसिसिटी वो तो थर्ड शो कर देगा। फिर उसके बाद सबसे अच्छा कौन करेगा, भाई ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पे है तो ये क्या करेगा, वन शो कर देगा, फिर सेकेंड शो करेगा और फिर आपका जो है फोर्थ शो करेगा। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर अंशिका आप मुझे बताइएगा। ठीक है, बना लिए? यस सर। यस सर। क्या आंसर का आंसर बताएंगे? देखिए तीन ग्रुप है, मैं थोड़ा सा ना ओपन कर देता हूं, यहां पे ये बेंजीन है और इस पे NH2 ग्रुप है, ध्यान से सुनना क्योंकि आपके एग्जाम में भी आएगा, टेस्ट में भी आएगा, इसीलिए अच्छे से इसको समझ लेना। दूसरा है CH3NH2, तीसरा है NH3, ओके। अब देखिए आप लोगों को ये तो पता लग रहा होगा कि इसकी बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास डीलोकलाइजेशन, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इधर उधर घुमा सकता है, इसके पास पोजीशन नहीं है क्योंकि यहां तो CH3 क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सबसे ज्यादा तो क्या हो जाएगा, CH3NH2। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? फिर आपके पास इसके पास इसका तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करने वाला है लेकिन इसका तो कोई नहीं है, यानी कि तो न्यूट्रल टाइप हो गया, तो फिर कौन आ जाएगा, NH3 आ जाएगा।
और इसके पास क्या है कि पोजीशन है, इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी। अब इसी टाइप के ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। अब ये देखो बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो कि मैंने पिछली क्लास में जो है आपको समझाया था, क्योंकि यहाँ पे ना आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाले हैं। C6H2, मैं इसको स्ट्रक्चर में भी बना देता हूँ, लेकिन आप लोग इसको ट्राई कीजिए। अगर जब आपको मेरी पिछली क्लास याद होगी तो बहुत ही आसानी से आप बना के इसको रखिएगा। जो बना ले एक बार रेज हैंड कीजिएगा। सबसे ज्यादा बताएंगे C2 का H5NH2 की होगी सबसे ज्यादा। C2, ये सर तीसरे वाला। वेरी गुड, थैंक यू। रिया, रिया आपने बताया, यस सर। ओके वेरी गुड, बहुत सही। मैंने कहा था कि 2 डिग्री की हमेशा जो है जब इथाइल होगा तो सबसे ज्यादा होगा, मिथाइल भी होता तो भी 2 डिग्री वाला जो है ज्यादा होगा, फिर कौन सा होगा, 1 डिग्री। इसका मतलब है कि C2H5 का होल ट्वाइस, अगर जब आप इसको स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप ऐसा बना सकते हैं कि NH और एक साइड C2H5 होगा, दूसरे साइड भी C2H5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, C2H5NH2। अब मुझे बताइए NH3 और C6NH2 में कौन होगा। अमोनिया। वेरी गुड, अमोनिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनिया, और ये क्या हो जाएगा, C6H5NH2। इसका जो है ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, रेडी हैं। अब पहला क्वेश्चन बनाइए कि इसके अंदर किसका ऑर्डर ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से अगर अभी का जस्ट देखे होंगे यहाँ पे बस कितना था कि सेम क्वेश्चन है क्या, आप एक बार ध्यान से बनाइए, थोड़ा सा अंतर है, यहां पे 4 है यहां पे 5 है, बन गया। पियूष इसका आंसर बताइए क्या होगा। अच्छा सबसे ज्यादा किसका होगा, C2H5 होल 2NH लास्ट वाले का, वेरी गुड, लास्ट वाले, सबसे लास्ट वाले का, वेरी गुड, उसके बाद किसका होगा, फर्स्ट वाले का। फर्स्ट का। वेरी गुड, ये भी दोनों बिल्कुल सही है, यानी कि जो है फर्स्ट का सबसे ज्यादा, लास्ट का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका आ जाएगा, C2H5NH2, ओके। अब मुझे बताइए कि किसका होगा, बेंजीन वाला होगा या NH3। NH3 वेरी गुड, NH3। NH3। अब मुझे बताओ, दुविधा तो अब आ गई कि जब बेंजीन पे NH2 ग्रुप है और यहाँ पे CH2NH ग्रुप है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। अब आपके सामने दुविधा आ गई कि सर हम किसको मारे, एक साइड NH2 है और एक साइड कुछ इस टाइप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे NH2 और यहाँ पे किसी भी एक पोजीशन पे हम लगा सकते हैं। खैर हम यहाँ पे समझाने के लिए आपको लगा दे रहे हैं यहाँ पे CH2। आपको मैंने बताया था कि ये एडिशनल सपोर्ट करेगा, यस सर, ठीक है। अब यस सर। अगर जो एडिशनल सपोर्ट करेगा, अगर जो कहीं भी CH2 दिख जाए बीच में, तो आप समझ जाना कि इसकी जो है क्या कर रहा है, ये माइनस प्लस आई इफेक्ट इसको डोनेट करेगा। अगर ये डोनेट करेगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C6H5CH2NH2, ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए उसके बाद लास्ट में तो एक ही बचा, तो क्या हो जाएगा, एन C6H5NH2। सेकेंड क्वेश्चन बताइए क्या ऑर्डर होगा। सर सबसे ज्यादा का थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। अब देखो सर सेकंड बच्ची का ने होगा कहा सबसे ज्यादा। कि, कहा मैंने आपको बताया था जब इथाइल हो तो सबसे ज्यादा कौन सा डिग्री लेना है, सर सेकेंडरी टू टू डिग्री डिग्री 2 डिग्री, फिर कौन सा लेना है, डिग्री
थ्री थ्री डिग्री डिग्री फिर कौन सा लेना है? वन वन डिग्री। डिग्री अब मुझे बताइए कि यहाँ पे मिथाइल होता तो हम लोग 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री होते। यहाँ पे आपके पास क्या है सबसे ज्यादा? ये तो 3 डिग्री है, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है 2 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा तो हम लोगों ने लिख दिया C2H5 का होल ट्वाइस NH, इसका हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसके बाद किसका होगा, C25 यानी कि होल 3 डिग्री का 3N। होगा। हाँ वेरी गुड। तो उसके बाद किसका हो जाएगा, C2H5 का होल थ्राइस N हो जाएगा। उसके बाद आपका 1 डिग्री हो जाएगा, C2H5NH2 हो जाएगा, और लास्ट में किसका हो जाएगा, C6H5NH2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि थर्ड वन का किसका आंसर होगा? सेकंड सेकंड वाला का सबसे ज्यादा ज्यादा होगा, होगा, ये तो सबसे ज्यादा हो जाएगा 2 डिग्री, CH3 का होल ट्वाइस। अब कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला अब हो जाएगा मिथाइल के लिए, याद हो मैंने कहा था 2 डिग्री फिर 1 डिग्री एंड लास्ट में क्या हो जाता है, 3 डिग्री। स्पेशल केस थे ये दोनों, याद आ रहा होगा। यस सर, ओके, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3NH2 का होल ट्वाइस हो गया। ये हमारे पास बचा कहाँ, यानी कि 1 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, CH3NH2 CH3NH2। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 डिग्री 1 डिग्री, और हमारे पास जो है 3 डिग्री, CH3 का होल थ्राइस एन हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? लास्ट वाला, बस वेरी गुड, सी सिक्स लास्ट एच वाला। फाइव सी एच टू एन एच टू हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, C6H5NH2। इसको घर पे जाके ना लॉजिक के साथ बनाना, कि जैसे जैसे मैंने बताया तो आपको जो है ना, मैं बता रहा हूँ बेसिसिटी में इसी टेबल से आपको मिलेगा क्वेश्चन। हो सकता है कि वो एक दो कभी मिथाइल इथाइल को इधर उधर करके जो है पूछे, लेकिन वो चीजें हमेशा यही पूछता है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब के ऑर्डर पे रहता है। यही क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया था। अब यहां पे बताना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ द पीकेबी। पीकेबी का मतलब क्या होता है, कि जिसकी वैल्यू क्या हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले ज्यादा लिखना है, फिर क्या लिखना है, कम लिखना है। क्या ये बात समझ में आ गई, कि पहले यस पीकेबी की वैल्यू क्या लिखना है, हाई, और फिर क्या लिखना है, लो लिखना है। यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कि जिसकी पीकेबी की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम कम होगी। वेरी गुड, इसका मतलब है हम सबसे पहले बेसिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं और इसको रिवर्स लिख देंगे, यानी कि पीकेबी की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब आप बिल्कुल अच्छे से अरेंज कर सकते हो। आप सबसे पहले बेसिसिटी का ऑर्डर लिख लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको जो भी लिखना है। मेरे को यहाँ पे जो है मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, या मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका होगा, सेकेंड जी C2H5, क्योंकि इथाइल ग्रुप है, सेकेंड डिग्री ठीक हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद कौन सा होगा, फर्स्ट वाले का, वेरी फर्स्ट गुड वेरी गुड, थैंक यू, C2H5NH2 हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा, सेकंड सेकेंड, वन, सेकेंड, वेरी गुड, सेकंड C6H5NH एंड C3। अब उसके बाद लास्ट में किसका हो जाएगा, C6H5NH2। क्या मैंने ये ऑर्डर सही लिखा या गलत लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? गलत गलत लिखा। क्या गलत इसका राइट आंसर होना चाहिए, गलत डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या ज्यादा मेरे इधर साइड से नॉइज जा रही है क्या? नो सर, नो सर, मतलब नो आवाज तो क्लियर जा रही है ना, ईयरफोन इसलिए लगा लिए ताकि कि आपको कम से कम जो है साउंड बाहर का सुनाई दे। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर,
तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पी के बी का लिखना है। अब मुझे पता है कि सबसे ज्यादा जो होगा पी के बी की वैल्यू किसकी होगी। एनिलीन। हाँ वेरी गुड, यानी कि C6H5 की हो जाएगी, मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। जिसकी पी के बी की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी बेसिसिटी कम होगी, तो सबसे कम तो इसकी है, यानी कि सबसे ज्यादा तो पी के बी इसकी होगी, फिर किसकी हो जाएगी, C6H5 NH6, फिर क्या हो जाएगा, C2H5 NH2, और लास्ट में क्या हो जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस NH। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। यस सर। आपके पास मुझे बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। अब बेसिसिटी का ऑर्डर बता दीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं। अच्छा मैं नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन भी लिख देता हूं। C6H5 NH2, C6H5 NH, और हमारे पास क्या है, CH3 का होल ट्वाइस, यहां से H हटा देता हूं। और हमारे पास क्या है, C2H5 का होल ट्वाइस एंड NH, एंड लास्ट वन हमारे पास क्या है, CH3। यहां से आपको देखने में तो पता लग गया होगा कि सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड थर्ड वाले का। वाले का। थर्ड वाले का। वेरी गुड, तो थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ओके अब मुझे बताइए किसका होगा, बी का होगा या डी का होगा। डी क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है ना, इसका डी लोकलाइजेशन पॉसिबल है जबकि यहां नहीं है, इस कारण से अब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH3NH2 जो है इसका हो जाएगा। अब फिर उसका सेकंड थर्ड किसका हो जाएगा, बी वाले का, बी C6H5 एन एंड CH3 का होल ट्वाइस, और लास्ट में किसका हो जाएगा, C6H5 NH2 हो जाएगा। ठीक है ओके। अच्छा मुझे बताइए कि ये कौन किसका ऑर्डर है, बेसिसिटी का। मुझे पीकेबी का चाहिए तो जस्ट इसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो पीकेबी का क्या हो जाएगा, C6H5 NH2, फिर किसका हो जाएगा, C6H5 NCH3 का होल ट्वाइस, CH3 NH2, और फिर किसका हो जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस NH। ठीक है, इस प्रकार से मैं क्या करना है, इनका जो है अरेंज करना है। ओके लास्ट में है, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि, कि ऐसे तो आपको पता नहीं लग पाएगा, बहुत ज्यादा नॉइज आने लगा है। एनिलीन, पारा नेट्रोनिलीन, आप लोगों की मेरी आवाज जा रही है, यस यस सर। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा, देखो जस्ट मेरे घर के सामने है, इतना जोर जोर से बोल रहा हूँ फिर भी जो है आवाज नहीं जा रही। ओके अगर जो मेरी आवाज नहीं जा रही होगी तो बता देना, ठीक है। यस सर। यस सर। यहाँ पे पारा टोल्युइडीन है,
ठीक है ओके। अब हमें बताना है कि किसका जो है बेसिसिटी ज्यादा है, बताइए किसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। वाले या थर्ड का, फिर उसके बाद किसका होगा, फर्स्ट का, फर्स्ट, फिर क्या होगा, सेकंड, सेकंड। सेकंड। बिल्कुल सही आंसर है, और यही नीट में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप रखिएगा नीट का प्रीवियस ईयर का, और आपको एग्जाम में भी जब नवंती की एग्जाम होगी वहां भी पूछना आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन की। ये क्या बताता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, कि जब आप क्या करोगे कि किसी भी अल्काइलेशन, अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप का एडिशन, उसको हम लोग क्या कह देते हैं अल्काइलेशन। अगर किसी भी अमाइन ग्रुप में अल्काइल ग्रुप को आप ऐड कर दीजिएगा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं अल्काइलेशन कह देते हैं। ठीक है, ठीक है ओके। अब यहां पे आपके सामने क्या है, आर एन एच टू ग्रुप है, इसका मतलब है अमाइन ग्रुप है। अगर यहां पे कुछ भी आप ले सकते हैं, आर एन एच टू को मैंने अगर 1 मोल सी एच थ्री बी आर लिया है, यहां पे कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, तो यहां से एक एच हटेगा और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, बी आर ग्रुप जुड़ जाएगा। तो और साथ में क्या बन जाएगा, एच बी आर बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने 2 मोल ले लिया ठीक है, अगर जब मैं कितना मोल ले लिया, 2 मोल ले लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन ग्रुप हटेगा और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जो है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे मेरे पास क्या है, आर एन एच टू, और मैंने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ, मैं यहां पे ले रहा हूँ सी एच थ्री बी आर, और आपको पता है इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन को आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अब ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा तो यहां से ये क्या करेगा, इसको लेके जो है बाहर चले जाएगा, और जैसे ही जाएगा तो यहां तो आपका माइनस एच बी आर हो गया। ठीक है ओके, अब थोड़ा सा जो है दूर चले गए हैं तो अब आवाज भी क्लियर जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एच बी आर, अब इस पे जो है कैसा आएगा, निगेटिव, ये यहां जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा, आपका जो बनेगा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आर एन एच एंड जो है सी एच थ्री जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली जब आपके पास आर एन आर और यहाँ पे एच है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं 2 मोल लूंगा तो फिर से 1 मोल और अटैक करेगा, अगर ये 3 मोल लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है 3 जो है आपका अल्काइल हैलाइड जो है ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अब हमारे पास क्या ग्रुप हो गया सी एच थ्री, फर्दर हमने क्या कराया इसको सी एच थ्री बी आर के साथ जो है रिएक्शन करा दिया, और जैसे ही कराया तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इस ग्रुप को साथ में लेके जो है क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही निकला तो यहां पे फिर से एच बी आर आ जाएगा माइनस, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, यहां से जुड़ जाएगा। तो यही चीज वो कहता है कि जब आप केमिकल रिएक्शन कराइएगा
आपने अगर जैसे 2 मोल लिया, 1 मोल लिया तो 1 मोल बनेगा, 2 मोल लिया तो 2 यहाँ पे जो है क्लोराइड ग्रुप जुड़ जाएगा, सॉरी अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। अगर आपने 3 लिया तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा और साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, क्वार्टनरी अमोनियम जो है साल्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास फर्दर में इसको रिएक्शन करा रहा हूं, अभी भी देखिए यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। अब जैसे ही अटैक कर देगा इस पे ओवरऑल चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख दूं पॉजिटिव, और ये बीआर पे कैसा आ जाएगा निगेटिव। ये आपस में मिलके क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज, और यहाँ पे जो है बीआर माइनस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्वार्टनरी अमोनियम जो है साल्ट कह देते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं जब आपके पास रहेगा। लेकिन जब मान लो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जब सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड होगा तब आप इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन मान लो आपके पास क्या हो, एलिफेटिक भी आ जाए एरोमेटिक भी आ जाए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, याद रखना कि अगर मुझे एलिफेटिक या एरोमेटिक में, जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया अमाइन ग्रुप ले लिया, और साथ में याद रखना आपको क्या ले लेना है एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड नहीं तो आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, एसिड क्लोराइड का ग्रुप ले सकते हो, ठीक है। अगर साथ में प्रिडीन हो तो यहाँ पे क्या करना कि इसका एच निकालना और बाकी ग्रुप जो है इस एज इट इज जो है जोड़ देना एन एच एच, और यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो सी एल सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यहां से एच निकलेगा क्योंकि H प्लस सी एल माइनस, और ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा N इथाइल एसिटामिन। ये जो प्रोसेस होता है ना बेसिकली आप कब यूज कर सकते हो, जब आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन, याद रखना एसाइलेशन प्रोसेस इज यूज प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि जब आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रोसेस का यूज करेंगे। जब आपके पास सेकेंडरी अमाइन हो तो सिमिलरली यहां से एच हटेगा और इस ग्रुप को आप क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड भी हो तो भी आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन जो नीट ने पूछा था वो क्या पूछा था मैं बताता हूं कि एसाइलेशन में किस दो ग्रुप का यूज करते हैं, तो आपको बताना है अमाइन ग्रुप और एसिड क्लोराइड ग्रुप का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस प्रकार से जो है आप बता सकते हो। अगर मैं कहूं कि प्राइमरी अमाइन को जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा एसिटा अमाइड या एन इथाइल एसिटामाइड बनेगा, साथ में क्या बनता है HCl बनता है। ओके, जब भी आप प्राइमरी और सेकेंडरी कराओ, बट जब आप क्या कराओगे इथनोइक एनहाइड्राइड से, क्योंकि मुझे क्या करना है सेकेंडरी अमाइन, जब आपके पास बेंजीन हो तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा निकलता है एसिडिक प्रोडक्ट निकल जाता है। अगर जैसे C6H5NH है तो यहाँ पे क्या हो जाता है CH3, इसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे इथनोइक है तो यहाँ पे दो दो ग्रुप है, तो यानी कि दो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इथनोइक, तो ये इथनोइक एनहाइड्राइड। जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा वो सेकेंडरी हो जाएगा, और यहाँ पे जो साथ में ग्रुप निकलेगा वो कैसा निकल जाएगा CH3COH ग्रुप जो है निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज शॉर्टन बॉमन जो है रिएक्शन हो नहीं पाएगा।